नमस्कार आदाब, मैं हूं खुर्शीद अनवर और आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार। अररिया जिला के सिकटी प्रखंड के भीरभीरी एवं कुछा पेक्स के लिए विगत मंगलवार को हुई मतदान की मतगणना देर शाम प्रखंड मुख्यालय में की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए कुछा पेक्स से शिव नारायण मंडल एवं भीरभीरी पेक्स से अरुण कुमार मंडल पेक्स अध्यक्ष घोषित किए गए। दोनों विजयी प्रत्याशी को देर शाम निर्वाची पदाधिकारी सह वीडियो ने विजेता प्रमाण पत्र प्रदान किया। मिली जानकारी के अनुसार भीरभीरी पेक्स से अरुण कुमार मंडल 58 मतों से, कुछहा पेक्स से शिव नारायण मंडल 85 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को पराजित किया। सिकटी प्रखंड के 3 पेक्स एवं मत्स्यजीवी सहयोग समिति के गठन के लिए संपन्न चुनाव में पूर्व 1 पेक्स पड़रिया एवं मत्स्यजीवी सहयोग समिति सिकटी का निर्वाचन निर्विरोध हो गया, जिसमें पड़रिया पेक्स से अध्यक्ष शाकिर आलम तथा सदस्य पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि सभी निर्वाचित को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। एक बात बताइए, कोई ऐसा समय आया था कि जो समय ऐसा था कि जब आपका मन में होता है ना एक धुकधुकी टाइप का कि क्या होगा नहीं होगा, उस समय के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। वो कौन सा समय था जब आपका दिल धुक धुक कर रहा था कि क्या होगा नहीं होगा? जी क्योंकि आता है जी इलेक्शन में, ऐसा तो आता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल ये कोई भारी बात नहीं है, जो भी होगा तो उसको मन में अभी करेगा। अब इस बार जनता हमको क्या करेगा, चुने या नहीं चुनेगा। लेकिन सर एक बात तो नजर आ रहा है, यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता आपसे बेहद प्रेम करता है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप लगातार जो है इस पद में जो है कि अपने गरिमा को बचाए रखे और आपने इस पद को जो है बरकरार रखा, फिर कुर्सी आपको मिला। जी जी अच्छा एक बात से आप सहमत है, जो जनता कुर्सी में बैठाना जानती है वो कुर्सी से उतारना भी जानती है। एकदम ये बात भी सही है। तो इस पर आप कितना आपका फोकस रहेगा, कितना अमल रहेगा इस पर? जी इस बार मैं देखा हूँ किसानों को खाद के लिए यूरिया के लिए कितना मतलब जिद्दोजहद करना पड़ा है, और स्वयं मैं भी एक किसान हूँ, हैं किसान के विषय में हम अच्छी तरह सोच सकते हैं। जी हाँ एक बात यहाँ पर कहा है, दर्द जिसको होती है उस दर्द का जो तकलीफ जो कुढ़न होता है उसी को महसूस होता है, चूंकि आपको इसलिए महसूस हो रहा है चूंकि आपने कहा कि मैं किसान हूँ। जी हाँ जी मैं भी एक किसान हूँ। जी अच्छा यहाँ पर कुछ समर्थक हैं इनके जो है कि शिव नारायण जी के? जी यहाँ पर कुछ समर्थक हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रेमलाल मंडल। अच्छा आप सपोर्ट किए, साथ भी दिए है ना, वोट भी किए? अच्छा कैसा प्रत्याशी थे ये? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा कैसा काम काज करेंगे आप? काम काज ठीक करेगा, किसान की भलाई करेंगे। अच्छा किसान की भलाई बहुत करते हैं जी, फिर करेंगे, फिर करेंगे, करते रहेंगे। अच्छा करते रहेंगे जी। अच्छा आपका क्या नाम हुआ भाई जी? डब्लू कुमार मंडल। किसान की बहुत भलाई करते हैं? हाँ जी करते हैं, इसीलिए आप लोग जीताए। अच्छा अच्छा ये भी अध्यक्ष है जी? हैं बाप रे, बहुत खुशी हुई हमको, बहुत खुशी हुई एक अध्यक्ष का जो है कि समर्थन करने के लिए आप जो है आए यहाँ पर, इससे बड़ा जो है आपके लिए खुशी का पल कोई नहीं हो सकता। अच्छा कुछ और कहना चाहते हैं मेरे कैमरे में, आप कुछ और कहना चाहते हैं कहिए। ये व्यक्ति सही है और किसान का नजर ये तो दिख रहा है सर, आप कहें या हम कहें उसे नहीं, ये दिख रहा है कि जनता ने इनको अपना प्यार दुलार दिया, दूसरी बार बने हैं अध्यक्ष तो साफ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और बनते रहेंगे भी, बनते रहेंगे। जी जी अच्छा आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, अभी बहुत खुश हैं आप, नारा लगा रहे थे। देखिए एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि अच्छा। इस जो हमारे एरिया है वो काफी इंटीरियर एरिया में से जाना जाते हैं कि नेपाल के बॉर्डर सटे हुए हम लोग हैं। सर सबसे पहला मुद्दा आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, हम लोग अररिया से आए, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और जमीनी हकीकत को हम लोग दिखाने का कार्य करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। इसके लिए आप लोग को शुक्रगुजार है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे ये क्षेत्र है काफी मतलब कि खराब स्थिति, सुदूर की रामीन का जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही। और ये मैं आज की जो हमारी जीत हुई है ये सारी जीत मैं अपने पंचायतवासी कुछा के पूर्ण निवासी
उसको मैं दे रहा, मैं इसका छोटा भाई हूँ। अच्छा, और जो भी हम लोग पहले भी इस पैक्स को हासिल कर चुका हूँ, एक बार पैक्स चेयरमैन रह चुका हूँ, और कुछ काम जो हम लोग को दिया गया था कि उस तरह से काम भी पहले पैक्स में हुआ नहीं करता था। अब जो अमित शाह जब से इस पैक्स को अपने अंदर लिए, अपने मंत्री पद में उसको जोड़े हैं, तो काम भी काफ़ी ग्रोथ किया गया है, क्योंकि कोऑपरेटिव का काम पहले बहुत तरह का मतलब कि टेंशन लाइट था, क्योंकि कब धान लेंगे, कब क्या लेंगे, उससे पहले किसान धान को बेच दिया करता था, और खाद का भी परेशानी थी बार बार इतना। अभी जो फिलहाल क्या हुआ है, कुछ खाद में भी कंडीशन कर दिया गया था, और हम लोग का तो 3 साल से इस जगह इलेक्शन भी नहीं हो रहा था कुछ हमें, जिसके कारण से किसान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खुद हम लोग भी किए हैं। और हमारे जनता का ये उम्मीद है कि आप जो पैक्स को फिर से मैं अपने शिवराम मंडल जी को बना रहे हैं, तो वो जो है इस बार उस तरह की सारी परेशानियों को हमसे दूर करेगी। शिव नारायण जी, एक अंतिम सवाल आपसे करके मैं आप लोगों से विदा लूंगा कि आपने जो जीत दर्ज की, तो आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, इसका श्रेय मैं कुछा के समस्त जनता को देने चाहे। जी हाँ, अच्छा होता है, यही प्रत्याशी की पहचान है। मित्रों, आप YouTube पर इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, Facebook पेज कर आपको फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मैं खुर्शीद अनवर, मेरे साथ MK माही से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।